गाइस शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन अब फर्नीचर, मकान और दुकान भी कागज़ से बनने लगे हैं। और ये कारनामा करके दिखाया है जयपुर के आर्किटेक्ट दंपति अभिमन्यु और शिल्पी ने। ये सबसे पहले पेपर को हनीकॉम शेप में बनाते हैं और फिर उससे फर्नीचर, मकान और वॉल्स तैयार करते हैं। और मज़े की बात यह है, ये मकान फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ होने के साथ साथ इन पर दीमक का भी कोई असर नहीं होता है। अभिमन्यु और शिल्पी के अनुसार ये मकान आम ईंट के बने हुए मकानों की अपेक्षा वजन में 10 गुना तक हल्के होते हैं, और अगर मजबूती की बात की जाए तो ये ईंट से बने मकानों की अपेक्षा 5 गुना तक ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको इस आर्किटेक्ट जोड़ी का आइडिया? गाइस, कुदरत के भी करिश्मे बड़े अजीब होते हैं। ऐसा ही हुआ मोरक्को में। यहाँ पड़ोसी देश माली से आई एक 25 वर्षीय महिला ने एक साथ एक दो नहीं पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया। इसमें से 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। माँ और बच्चे सभी बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं। गाइस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इससे पहले एक साथ 8 बच्चों के जन्म लेने का रिकॉर्ड था। वैसे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भी परिवार सोचता होगा कि आखिर ये हुआ तो एक साथ ये क्या हुआ। गाइस, आज शायद कोई ही ऐसा होगा जिसने मैगी का स्वाद ना चखा हो। तो इतनी स्वादिष्ट और इतनी ज़बरदस्त डिमांडिंग इस मैगी का आविष्कार आखिर किया किसने? तो गाइस, आज से 123 साल पहले सन 1897 में जर्मनी में सबसे पहले मैगी को बनाया गया, और इसको बनाया था जूलियस माइकस जोहानस मैगी ने, और उन्हीं के सरनेम पर इसका नाम मैगी पड़ा। सन 1912 तक मैगी पूरे अमेरिका और फ्रांस में छा चुकी थी। फिर 1947 में जोहानस की मौत के बाद नेस्ले ने मैगी कंपनी को खरीद लिया, लेकिन भारत में ये मैगी सन 1983 में पहुंची और अब तो ये सबके घर तक पहुंच चुकी है। गाइस, बिल गेट्स कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे और आज भी वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर बिल गेट्स की इनकम की बात की जाए तो भारतीय रुपयों में ये इनकम प्रति मिनट 57 लाख रुपए है, और चाहे बिल गेट्स सो रहे हों चाहे जग रहे हों, ये इनकम लगातार चलती रहती है। एक बार दो अर्थशास्त्रियों ने कैलकुलेशन की कि आखिर बिल गेट्स के हाथ से कितना पैसा नीचे गिर जाए कि वो उसको झुककर उठाएंगे। तो उनकी कैलकुलेशन में ये निकल कर आया कि अगर बिल गेट्स के हाथ से 35 लाख रुपीस, मतलब 35 लाख रुपया नीचे गिर जाए तो वो उससे झुककर उठाएंगे, और वो भी शर्त ये है कि रुपया बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए, वो बिखरा हुआ ना हो। अगर बिखरा हुआ होगा तो वो उसको झुककर भी नहीं उठाएंगे। गाइस, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाती हैं कि कोर्ट में कोई व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। तो आखिर ये ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये ट्रेंड वर्ल्ड में और कहीं तो नहीं होता? तो दरअसल जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कोर्ट में ऐसी व्यवस्था लागू की कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो कुरान पर हाथ रखकर, और कोई हिंदू व्यक्ति है वो गीता पर हाथ रखकर कसम खाए, जिससे कि इस चीज़ की संतुष्टि हो जाती थी कि जो व्यक्ति कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। तो गाइस, कसम वाला ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा?